राधे राधे श्री ओ राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म नंदनंदन यशोदा नंदन देवकी नंदन वसुदेव सुत वासुदेव भगवान श्री कृष्ण रस रासेश्वरी सर्वेश्वरी मातेश्वरी पूर्णेश्वरी करुणेश्वरी वृंदावनेश्वरी कृष्ण प्रिया कृष्ण आराध्या कृष्ण आराधिका वृषभानुजा कीर्ति कुमारी श्री राधा। जगत के समस्त संत भक्त गुरु सद्गुरु साधक सिद्ध सुजान सज्जन दुर्जन सबके हृदय में भगवान श्री सीताराम श्री राधा कृष्ण का दर्शन करते हुए सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सबको प्रणाम करता हूँ। आज काशी के इस बृहत क्षेत्र में सारनाथ क्षेत्र में एक दिव्य स्थान पर आने का अवसर दास को प्राप्त हुआ है, जहाँ बंगाली बाबा जैसे सिद्ध संत और आचार्य पीठ पर विराजित श्रद्धेय स्वामी प्रकाशानंद जी और आप सब धर्मानुरागी धर्म प्रेमी सनातन संस्कृति को अक्षुण रखने की भावना के साथ उपस्थित हुए लोग, सत्संग जीवन में आनंद प्रेम और शांति को प्रदान करता है और इस संसार में जितने भी परिश्रम हो रहे हैं मनुष्यों के द्वारा वो सब केवल आनंद के लिए हैं, शांति के लिए हैं। दुख से निवृत्ति और आनंद की प्राप्ति, सुख तो स्टेबल नहीं है, टिकता नहीं है, इसलिए हमारे सनातन संस्कृति में धर्म में सुख को भी त्याज्य माना गया है। हम तो भुक्ति मुक्ति यावत पिशाचिनी, भोग को और भगवान की भक्ति के सामने हम वृंदावन के लोग मुक्ति को भी नहीं मानते, बहुत भक्ति की दासी ही मानते हैं उनको। परंतु ये सब शब्द हैं और शब्दों के उलझाव में हमें बहने की जरूरत नहीं है। आवश्यकता है तो जीवन जैसे तैसे इतने वर्ष तक गुजर गई, कट गई, अब बचे हुए जीवन में अवसाद न हो, विषाद न हो, कष्ट न हो, दुख न हो, हम आनंदित जी सकें, इसके लिए ही धर्म है, इसके लिए ही हम ईश्वर की आराधना करते हैं। संत ऋषि मनीषी मुनि गुरु
इन सबके द्वार पर हम क्यों जाते हैं, क्या मिलता है, क्या पाने जाते हैं? एक ही चीज है, यह जो दुर्लभो मानुषो देही देही नाम क्षण भंग्रह तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम, जो अत्यंत दुर्लभ शरीर मिला है, यह दुर्लभ शरीर मजबूरी और मजदूरी में न कट जाए। जिंदगी मजबूरी में है और बची खुची मजदूरी में है, पर इसके लिए जीवन नहीं मिला था। हम आनंद के अंश हैं। उपनिषद कहते हैं आनंद ही ब्रह्म है। जिस ब्रह्म की खोज में हम तुम लगे हैं वो आनंद ही है। तो आनंद चाहिए तो सबको, पर मिलता किसी को नहीं। अमेरिका से लेकर अरब से लेके तंजानिया, भूटान, अरे पाकिस्तान के लोगों से और चाइना के लोगों से भी पूछोगे क्या चाहिए, पर आनंद चाहिए बस। क्योंकि मनुष्य मात्र की आकांक्षा केवल आनंदित जीवन है, इंग्लिश में ब्लिसफुल लाइफ, पर मिलता किसी को नहीं। ये ऐसा है जैसे मृग मरीचिका, गर्मी के दिनों में पीच रोड के ऊपर में जैसे मृग मरीचिका पानी नजर आता है, पर जाने पर पता चलता है हे भगवान यहां तो और गर्मी है, कुछ नहीं है। रेगिस्तान में हिरण के साथ यही होता है, जीते ही चले जाते हैं, जीते ही चले जाते हैं। और एक दिन चार बांस लगता कि तो हमको पता नहीं भाई, अभी हम गए नहीं हैं, देख लियो। तो कुछ बांस आते हैं, खूब सुंदर सीढ़ी बन जाती है, और बढ़िया कपड़े उपड़े खरीद के अंतिम बार आ जाते हैं और उड़ा करके फिर उसके बाद सब लटक जाते हैं, तुम्हारा मामला समाप्त, घंटा घंटी टंगे तुम गए। अभी तो पितृपक्ष भी चल रहा है, गया में तुम्हारा श्राद्ध भी हो जाएगा, बैठ जाओ जाके पितर बन के। पर जीते जी अगर आनंदित न हुए, जीवन भर उदास रहे, हताश रहे, निराश रहे, कष्ट में रहे, तकलीफों में रहे, रोते रहे, शिकायतें रहीं, उलाहना रहा, अभाव रहा, तो मरने के बाद मुक्त हो जाओगे। और ये जिंदगी जब मिली उसमें जीते जी खुश नहीं हो पाए तो मरने के बाद कहां से खुश हो जाओगे? और तो मरने के बाद देखने आओगे क्या? सनातन धर्म ये मानता है कि पुनर्जन्म है, पर इसमें से कितने लोग हैं जिनको अपना जन्म याद है? पहला महाराज जी पुराना जन्म की बात करें, बचपन ही की बात याद नहीं। एक तो व्यक्ति बैठे थे, कहा आप इधर उधर की बात कर रहे हैं, हमको तो चश्मा याद नहीं, हम आज घर पर चश्मा भूल के आ गए, देखिए नहीं है। हमने कहा बाबा माथे पे लगा रखे हो। बोला अच्छा, वो माथे पे चश्मा लगाए थे, उनको याद नहीं था कि चश्मा कहाँ है। तो पुनर्जन्म की बात तुम्हें कहाँ से याद होगी? जिसको बचपन की बात याद नहीं, किस जेब में पैसा रखा वो याद नहीं, कलम कहाँ रख दिया वो याद नहीं, कपड़े कहाँ रख दिए वो याद नहीं, उनको पुनर्जन्म याद रहेगा कि हम पहले जन्म में क्या थे? तो जो कुछ है यही है ये जन्म, इसको सुधारना है। और सुधारने का अर्थ है श्री कृष्ण की तरह एक सुंदर मुस्कुराहट हो जीवन में, ऑलवेज स्माइल, जब देखें तब मुस्कुराते हुए। ऐसा नहीं कि जब देखें तब चेहरे पे 12 बजता हुआ। आज तो यही हालत है हमारी, जिसका देखो उसी का 12 बजा हुआ। भाई साहब कहाँ से आ रहे हैं, फालतू बात मत किया कीजिए। अरे फालतू क्या करें, पूछ रहे हैं भैया कैसे हो, कोई सीधी मुंह बात नहीं करता। इतनी परेशानियां, इतनी कामनाएं पाल रखी हैं हर मनुष्य ने कि कामना के कांटे, कील और खंजर उसके हृदय को लहूलुहान करके रखे हुए हैं। हृदय के भीतर इतनी कामना, इतनी वासना, इतनी इच्छाएं पूरी तो होनी नहीं है, नहीं होवे तो बता दो हमको,
काऊ को भयो है तू, नहीं आपके परदादा कहे गए तो बता दो हमें कि उनका सब इच्छा पूरा हो गया, दादाजी कहे वो सही बता दो हमको। किसी की संपूर्ण इच्छा पूर्ण नहीं होनी तो फिर इतने लंबे लिस्ट बनाने से लाभ क्या है। जो इच्छाएं, जो कामनाएं और वासनाएं हमें दुख दे रही हैं, हमारे वर्तमान के सुख चैन और आनंद को लूट रही हैं, ऐसे डिजायर्स किस लिए, ऐसे विश किस लिए। आई विश, अंग्रेजी पढ़े जो टट्टू हैं थोड़े बहुत, आई विश, क्या विश, टाटा फिश, कोई विश काम नहीं कर रहा, विश। सोचे बोले करे नहीं, उसकी आशा फले नहीं, जो सोचता भी हो बोलता भी हो पर करता नहीं हो उसकी आशा कभी फलीभूत नहीं होती। सोचना अच्छी बात बहुत अच्छी है, अच्छी बात बोलना भी बहुत अच्छा है, पर करेगा कौन। सोचना तो सभी अच्छा सोच लेते हैं, हालांकि ये भी सबके बस में नहीं है कि अच्छा सोचे। मैया का बेटा अगर 8 बजे रोज आता है, शाम को 9 बजे ना आवे तो दुनिया की जितनी गड़बड़ बातें होती सब सोच लेती, हे भगवान कोई मार तो नहीं देहलस, कहीं ट्रक के नीचे तो नहीं आई गए, सुरुए से लंपट हो, कहीं नदी में तो नहीं गिर गए। वो बुरा ही सोचती, यद्यपि उसकी ममता है, उसका प्रेम है, पर प्रेम तो शुभत्व में है, शुभता में है, इतनी नेगेटिविटी क्यों, इतना नेगेटिव विचारधारा क्यों है तुम्हारे जीवन में, शुभ क्यों नहीं सोच रहे हो। आज देर से आ रहा है, लग रहा है किसी दुखी पीड़ित की मदद करके आ रहा होगा, क्योंकि मेरे संस्कार दिए हुए, मेरा बालक है, संस्कार सनातनी है, कहीं किसी न किसी का मदद कर रहा होगा, भगवत कार्य कर रहा होगा। पर ये शुभ भावनाएं हमारे भीतर नहीं आती, हम अशुभता से भरे रहते हैं, हर समय अशुभ सोचते हैं, और जो लगातार चिंतन बना रहेगा वो धीरे धीरे कभी हो भी जाएगा। इसलिए कुछ नहीं कर सकते तो शुभ तो सोचा करो, पहले एक आदत तो डालो कि गुरुजी ने कहा है अब सोचेंगे शुभ। उसके बाद मतलब जुबान हमारा बड़ा खराब है गुरुजी, तो फिर कहेंगे कि अब बोलेंगे भी शुभ। वाह 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 वाह, 3 स्टेप चलना था, 3 कदम चलने थे, 3 कदम में जैसे भगवान बामन ने बाली को माप लिया तो 2 कदम तो हो गए, एक शुभ सोचा एक शुभ बोला, अब 1 कदम बाकी है, अब हम शुभ करना भी शुरू कर देंगे तो हमारे जीवन में शुभ फल की प्राप्ति होगी। यही 3 कदम है, यही भगवान बामन का 3रा कदम है हर व्यक्ति को। हर व्यक्ति भी बामन ही तो है, हम लोग विराट कहां हुए, बामन मतलब छोटा बौना, हम भी तो बौने ही हैं, सोच तो बहुत कुछ रहे हैं, पर जैसे ही अपनी गाड़ी लेकर के निकलते हैं XUV 700 और बगल से कोई मर्सिडीज लेके निकलता है तो तुरंत बौना हो जाते हैं, कहां से लवलस, मैं तो नंबरी करत हो अब का करी हम के, लेकिन बन गए बौना, हो गए छोटा, वो दिल का जलन भले कोई देख ना पा रहा हो, वो तो हनुमान जी की तरह कोई दिल खोल दे तो उनके दिल में राम और सीता नजर आए, लक्ष्मण जी के साथ, तेरा नाम क्या है इसका रक्षा, हाँ रक्षा, कल हमने सुना कि रक्षा भी टेंशन में रहती, और हमने तुम्हें काय बात को टेंशन है भैया, तू तो राधा रानी है, खूब आनंदित रहा करो, प्रसन्न रहा करो, टेंशन है सब मम्मी पापा के लिए छोड़ दो, ये लोग रहें, हम लोगों का काम आनंदित रहना है। क्या बोल रहा था भूल ही गया, बौना समझ गए अपने आप को, जहां किसी के पास, और वहां तो मर्सिडीज की बात छोड़ो, कांजी बरम की साड़ी आई,
कि सिल्की वरम की उतने ही में छोटा हो जाते हैं। अच्छा, इस सरमाइन का सड़िया कहाँ से आए लो? अरे तो शर्मा कमा थुआ दू नंबरी तऊ का करी है, और भीतर लगी आग, पूरा जगा हुआ है। अरे माता, सुदामा की तरह मस्ती से जो कुछ है परमात्मा ने दिया है, प्रयत्न करते रहो पर असंतुष्ट मत रहो, पुष्ट रहो। संतुष्ट रहते हुए अगर प्रयत्न करोगे तो सब पालोगे, असंतुष्ट रहते हुए प्रयत्न नहीं हो सकते, क्योंकि ऊर्जा असंतोष में जलेगी, ईर्ष्या में जलेगी। अब ऊर्जा तो उतनी है, एनर्जी, चाहे उसको जलने में जला दो, चाहे किसी की शिकायत करने में जला दो, चाहे गाली देने में जला दो, और चाहे तो फिर उसे शुभ विचार और शुभ कर्मों में। ईंधन है ऊर्जा, ईंधन। गाड़ी में पेट्रोल पड़ गई, अब उस पेट्रोल की गाड़ी को लेकर के जा करके ठेके के सामने रोकोगे थोड़ी सी जो पीली है, या बाबा विश्वनाथ के द्वार पर रोकोगे कि सारंगनाथ के द्वार पर रोकोगे, ये तो तुम्हारे ऊपर है। गाड़ी तो कोई जबरदस्ती तुमको नहीं ले जाएंगे, नहीं, कि गाड़ी क्या बोलेगी, आज हमार मन हो आज हम जाइब, आज हम अनिल के ठेकवे पर जाइब, हमहू पियब। कोई गाड़ी आज तक बोला कि हम पियेंगे? कोई बाइक बोली, कोई मर्सिडीज बोला कि हम पियेंगे? उसको पेट्रोल से मतलब है, डीजल से। ईंधन आपने दे दिया, अब स्टेयरिंग आपके हाथ में है, जहां चाहो चले जाओ, चाहो तो किसी से भिड़ने चले जाओ, चाहो तो किसी से लड़ने चले जाओ, चाहो तो किसी देसी के ठेके पर या विदेशी ठेके पर चले जाओ, और या चाहो तो सारनाथ के इस बंगाली बाबा धाम में रितेश्वर को सुनने चले आओ। ये तो गाड़ी तुम्हारी है, स्टेयरिंग तुम्हारे पास है, तुम जहां चाहो वहां जाओ। वो तो ऊर्जा जलेगी, पेट्रोल खत्म होगा, पर ऊर्जा जलने के कारण कुछ ऐसी चीज पैदा कर लो जो तुम्हारे भीतर में आनंद, आह्लाद, प्रेम और शांति को उत्पन्न कर सके। और ये कब होगा? ये तभी होगा जब सद्गुरु की कृपा होगी, उनके वचनों में विश्वास होगा, उनके सत्संग के प्रति रुचि होगी। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, द्वितीय रतिमम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा। अरे पंकज का नाम इसमें आता है, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। गुरु की सेवा कैसे हो? अमान। गुरु की सेवा शर्तें लागू हैं, बिना शर्त का नहीं होता। चूंकि ये गुरु आश्रम है, कई लोग जुड़े हैं यहां से, प्रेमी हैं, तो गुरु की सेवा कैसे होती है? कोई शर्त होती नहीं प्यार में, बेशर्त। शर्त एक ही है कि तुम बेशर्त होके आओ। शर्त यहां लगेगा, चेले ही शर्त लगा के आते, महाराज जी हमरे पूरा होई तब हम विश्वास करब, तुम मत करा जा। कैसे कैसे आदमी आ गए भैया, हम तुम्हारे कोई पैसे के अधीन है, हम रुपये के अधीन है, तुम हम कोई हमको खरीद लिया, तुमने संत को खरीद लिए, गुरु को खरीद लिए, ज्ञानी को खरीद लिए, ज्ञान खरीद लोगे, बाबा खरीद लोगे? ये खरीदते खरीदते आदत ऐसी लग गई है कि बाबा खरीदने लगे। इतना बाजारवाद बढ़ा है कि बाबाओं को खरीदने की आदत लग गई। हम क्या करें? राज बब्बर की एक पिक्चर थी, दूल्हा बिकता है बोलो खरीदोगे, और बाबा जब बिकने को तैयार है तो खरीदने वाले भी तैयार है। पर वास्तव में जिन्हें साधु कहते हो, जिन्हें संत कहते हो, गुरु कहते हो, जिन्हें श्रेष्ठ ऋषि महर्षि कहते हो, वो नहीं बिक सकते, उन्हें नहीं खरीदा जा सकता किसी चीज से नहीं। एक चीज है खरीद सकते हो, क्या है? मेरा भगवान ही कह रहे हैं, अहम भक्त पराधीनो हिव स्वतंत्र इव द्विज, साधु वीर ग्रस्त हृदयो भक्तेर भक्त जन प्रिय। मैं भक्तों के अधीन हूं,
भगवान ने कहा मुझे भी खरीदा जा सकता है, पर जिन चीजों से तुम समझ रहे हो ऐसे नहीं। अगर भगवान को भक्ति से खरीदी जा सकती है तो याद रख लेना, भगवान के जो प्रेमी हैं, साधक हैं, जो उनको ही अपना सब कुछ समझते हैं, जिन्हें तुम संत कहते, गुरु कहते, जिनके विषय में शिव जी कहते हैं गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। कौन है वो? कहा वही साक्षात। बोला कैसे आ गए? बोला भैया भगवान की इतनी आराधना की, इतना उनको पुकारा, इतना उनको बुलाया, तो भगवान की इच्छा हुई कि इसने इतने प्यार से मुझे बुलाया है, अब मैं इसके पास जाऊंगा। तो अचल विग्रह के रूप में वो देवालयों में स्थापित रहे और सचल होकर के गुरु रूप में तुम्हारे द्वार तक पहुंच गए। वही ईश्वर, वही साक्षात पर ब्रह्मा, वही पहुंच गया तुम्हारे द्वार पर, क्योंकि तुम दर्शन करना चाहते थे, क्योंकि तुम मिलना चाहते थे, क्योंकि तुमने पुकारा था उन्हें, तुमने आरती की थी। व्हाट डू यू मीन बाय आरती? आरती का अर्थ होता है, अरे आज तो ये छोरन हमें बोले नहीं देंगे, अरे छोरा छोरे दारी के बारे बैठ के खा जाए आइसक्रीम, चिल्लाए रही है। हमने अपने वृंदावन में गाली भी दे दिया, तुमको समझ में आवे जा मत, हमको क्या महाराज। भैया देखो हम कहां थे, फिर भूल गए। अब हम भूलते हैं कि नहीं भूलते हैं, हम ये देखते हैं कि तुम भी सुन रहे हो कि हम बोले ही जा रहे हैं, कि हम बोले ही जा रहे हैं कि कोई सुन भी रहा है। भाई आप भी बताओ कि कहां थे। नहीं नहीं गुरुजी अभी इसी सिस्टम तक पहुंचे थे आप। तो सचल रूप में भगवान, इन बच्चों को थोड़ा बिस्कुट दे दो मैया और उधर ले जाओ, इनको बिस्किट खिलाओ थोड़ा, ये बच्चे हैं छोटे छोटे, भी बालक हैं, बुतरू हैं, इनका जब आयु होगा तब सुनेंगे ये। हालांकि आयु तो हो गई है मीरा के बराबर और ध्रुव प्रहलाद के बराबर, पर क्या करें, मैकोले की शिक्षा व्यवस्था है, इसमें तो 20 साल का भी बच्चा हो तो आदमी कहते हैं अभी बच्चा है महाराज जी, अभी खेले खाए का उम्र है, तो धर्म कब करें। 5 साल में ध्रुव ने भगवान प्राप्त कर लिया, प्रहलाद ने भगवान प्राप्त कर लिया, 3 वर्ष में मीरा ने गोविंद की प्राप्ति कर ली, और तुम अभी भी बच्चा कह रहे हो। 9 महीने जब वो तुम्हारे गर्भ में थे तो आपको संस्कार देना चाहिए। जन्म लेने के बाद जो संस्कार देते हैं उसका असर 10% है। जन्म लेने के पहले जो संस्कार मिलते हैं ना, उसका असर एक राक्षस के घर में, असुर के घर में, हिरण कश्यपु के घर में, एक आसुरी के पेट से, गर्भ से, कयाधु के पेट से, भगवान के 12 भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भक्त प्रहलाद जन्म लेते हैं, क्योंकि गुरुदेव नारद की संगति में मैया रहती है और गर्भ में ही सत्संग होता है। और ये गर्भ के विज्ञान को वर्तमान विज्ञान ने मान लिया। तुम्हारे जो ये वैज्ञानिक हैं, जो साइंस हैं, जो रिसर्चेस हैं, उन्होंने ये मान लिया कि गर्भ में दी गई शिक्षा और गर्भ में दिया गया संस्कार बच्चा कभी भूलता नहीं। अभिमन्यु भी नहीं भूला था, अब तो अंतिम दरवाजे में ढोल ढाक बज गया था, तो बेचारा क्या करे, सुन तो रहा था ध्यान से, पर वो थाली बजाने वाला जो सिस्टम है, लाला भयो लाला लाला गयो, ये थाली न बजती तो अभिमन्यु बच जाता, पर ढोल बजवा करके अंतिम द्वार तोड़ने से उनको वंचित कर दिया, नहीं तो बच जाते वो। पर ये ढोल बजी और अंतिम द्वार तोड़ना अभिमन्यु न सीख सके और मारे गए। इसलिए गर्भस्थ शिशु को ही संस्कार देने हैं। जिनके जन्म हो गए निराश मत होना, अभी भी समय है, नहीं तो लोग कहेंगे चलो हम तो एक्सपायरी डेट हो गए, हमारा तो हो गया, अब हम क्या करें, तब सत्संग क्यों सुनने आए हैं।
तो केवल वही लोग जाएं जिनको विवाह शादी करना है, जिनको अब बच्चे पैदा करने, वही सत्संग करें। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप देखो श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आता है अजामिल का। अजामिल अपने माता पिता के और गुरु के बड़े तगड़े भक्त थे, बहुत चौचक ऐसे भक्त। पर एक दिन एक कुसंग में पड़ गए, छोटी सी कोई 30 सेकेंड्स, कोई एक मिनट का कुसंग देख लिया कहीं पर, एक वनिता को, एक वेश्या को किसी कापुरुष के साथ रमण करते हुए देख लिया, और इतने बड़े माता पिता के भक्त और गुरु भक्त की बुद्धि बदल गई। मैं सोचता हूँ कभी कभी पंकज जी कि 30 सेकेंड में अजामिल जैसा माता पिता का परम भक्त जो जंगल गया था संविधा लाने के लिए, यज्ञ के लिए लकड़ी लाने हेतु गया था, परंतु थोड़ी सी आंख चूकी, थोड़ा सा कहीं दूसरी जगह गया तो ऐसा बिगड़ा कि संतों का विरोधी हो गया। उसी वेश्या से विवाह किया, 10-10 पुत्र उत्पन्न कर दिए, डकैतियाँ डालने लगा। केवल 30 सेकेंड के एक क्लिप ने अजामिल की जिंदगी बदल दी। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। 30 सेकेंड में एक अजामिल बर्बाद हो गया। जहां रिमोट में 500 चैनल हैं, अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा, क्या होगा इस देश का जिनके बच्चों के हाथों में रिमोट हैं और पता नहीं किस चैनल में क्या चल रहा है, हाथों में स्मार्टफोन हैं और YouTube पर पता नहीं क्या देखा जा रहा है, पता नहीं इंटरनेट पर क्या क्या निकल रहे हैं। और आप सोच रहे हो विवेकानंद पैदा होगा, आप सोच रहे हो प्रहलाद होगा, ध्रुव होगा, आप सोच रहे हैं वो रिभु, अंगिरा, कण्व, कणाद, वशिष्ठ ये बनेंगे वो, ऐसी धारणा आपकी है। आप सोचते हैं कि उनका जीवन उन श्रेष्ठ राजा अम्बरीश की तरह होगा, भक्तों की तरह नहीं हो सकता। पाना है तो करना पड़ेगा, मजबूरी है करनी, ऐच्छिक विषय नहीं है ये आध्यात्म, ये धर्म, ये रामचरितमानस, ये श्रीमद् भगवद गीता, महाभारत ऐच्छिक नहीं है। ठीक है, चले गए थे आज सत्संग सुनने के लिए, बड़ा भारी एहसान कर दिए। इतना ज्यादा एहसान क्यों कर दिए, सत्संग सुनने आ गए? अरे सत्संग का श्रवण करके तुम सत्संग पे कोई एहसान नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम्हारी जो विकृत जिंदगी है, तुम्हारे जीवन में अवसाद है, डिप्रेशन है, टेंशन है, उनसे मुक्ति का एकमात्र अगर कहीं कोई द्वार है और इस ताले को खोलने की कहीं कोई एक चाबी है तो वो सद्गुरु के सत्संग में है और कहीं नहीं है। यहीं से ये ताला खुलेगी, ये तुम्हारे समस्याओं का, दुखों का, कष्टों का, अवसादों का, विषादों का अगर कोई ताला खोल सकता है तो सद्गुरु के द्वार पर खुल सकता है, सत्संग के द्वार पर खुल सकता है। इसलिए सत्संग की इतनी महिमा है। मुझे बहुत आनंद है, आह्लाद है, हालांकि हमें चौबे जी को भी कमक्षा भी जाना है एक और जगह पे, पर आपका ये सुंदर भाव देखो, असली सत्संगी तो गांव के सीधे सरल सच्चे भोले लोग ही होते हैं। गांव का अर्थ लोग गांव में रहने वाले को गंवार कहते हैं, एक गंवार है। गंवार पता है किसे कहते हैं? जिसने अपनी जिंदगी, अपना पूरा जीवन गुरु के सत्संग के बिना दुख कष्ट और अभाव में गंवा दिया, उसको ही गंवार कहते हैं। पर जो भले ही पढ़ा लिखा न हो, जनाबाई की तरह, रैदास की तरह, कबीर की तरह, पर अपने गुरु के प्रति समर्पित हो, वो गंवार नहीं हो सकता।
ये ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉगी, ई फॉर एलिफेंट। चलो बढ़िया है, एक नहीं बोल दिए। संडे हुआ मंडे, रोज खाए डंडे, विकृत हो गई मानसिकता बच्चों की। तो कैसे कैसे लोग हैं, कह रहे महाराज जी ये ना, ये तो इसको शाकाहारी में आता है, इसको हम लोग पक्षी फल कहते हैं। बताओ पक्षी फल दे रहा है, अरे नामुरादों मूर्खों, एक जीवन उसमें बंद है। भ्रूण हत्या पाप है ना, गर्भ में पल रहे बच्चे को मारना पाप है ना, तो उस अंडे में क्या है? ये कौन पढ़े लिखे लोग हैं, कहां से पीएचडी करके आए हैं? ये अनपढ़ों की फौज भारत में कहां से घुसी है? ये राष्ट्र विरोधियों की, सनातन विरोधियों की, जो ये कह रहे हैं महाराज जी वो तो फल है, फल बारे फल। तुम्हारा बच्चा निकाल के कोई खा जाए तुम्हारे गर्भ से और कहे ये मानव फल है, तुमने कह दिया ये पक्षी फल है, और तुम्हारे बच्चों को निकालकर और निकालकर खा क्यों जाए, खा ही तो रहे हैं। चाइना में आपको पता नहीं, उस मांस पिंड को भी बना के खा जाते हैं और वो सबसे टेस्टी और सबसे बेस्ट माना जाता है। सुनने में कितना दर्दनाक लग रहा है, पर जरा सोचो तुम भी तो उस मुर्गी के बच्चे को खा रहे हो ना, एक जीवन है उसमें ना। तो पहला तो यही कहूंगा, आध्यात्मिक होना है, अच्छा जीवन जीना है, तो प्रयत्न करो कि हम पूर्ण शाकाहारी बनेंगे, हम किसी को मार कर नहीं खाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी के बच्चे को मार कर नहीं खाएंगे। ये शाकाहारी हमें होना होगा, क्यों? इसमें ही दया करुणा और ममता है। जो बचपन से ही मारते खाते काटते रहते हैं वो दुनिया में आज बड़ी अशांति फैला दिया वैसे लोगों ने, क्योंकि न मारने में उनको कोई तकलीफ है, न खाने में कोई तकलीफ है, न कोई उनके भीतर में भावना बचती है, तो वो धीरे धीरे मानवता के लिए भी खतरा साबित होने लगते हैं। मानवीय संवेदना, जैसे तुम्हें तुम्हारे छोटे से बच्चे से प्रेम है, तो बकरी का भी तो एक छोटा सा बच्चा माँ, वो भी तो इतना प्यारा है ना, छोटा सा फुदक रहा है, उस मैया के बेटे को ले जाकर और खुलेआम उसका गर्दन रेत कर जबा करके खा जा रहे हो। अरे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अहम वैश्वानरो भूतो, इस पेट में अग्नि के रूप में मैं ही हूं, अगर ये अग्नि बुझ जाए तो जिंदगी बुझ जाएगी। ये जो कहते हैं ना, मंदाकिनी अगर बुझ गई तो मंदाकिनी बन जाओगे। मंदाकिनी मतलब वो जो हीरोइन आई थी ना, क्या बन के आई थी, क्या कर दिया देश के साथ, देखा था आप लोगों ने ना। तो ये मंदाकिनी अगर बुझ गई, एक सनातन संस्कृति है जो भीतर में जल रही उस अग्नि को कहता है कि मैं स्वयं ये अग्नि के रूप में भगवान हूं। अब भगवान का भोग कैसा लगना चाहिए? कन्हैया क्या खाते हैं बताओ, कन्हैया को क्या भोग लगता है? बकरी, बकरे, माखन, मिश्री। तो यहां कृष्ण कह रहे हैं मैं हूं, हमारे एक एक ग्रास, एक एक निवाला जिसको कहते हो, एक एक कौर, मेरी माताओं अपने बच्चों को बचपन से सिखाना कि बेटे ये खाना खाना ही नहीं है, बल्कि ये भोजन प्रसाद यज्ञ के समान है, ये आहुति डाल रहे हो तुम भीतर में, इसलिए सोच समझ कर डालना कि क्या भगवान को दे रहे हो। इनटेक अच्छा हो तो आउटगोइंग अच्छी होगी, इनकमिंग बुरा होगा तो आउटगोइंग भी बुरी ही होगी। भीतर अगर अच्छी चीजें आएंगी, रावण ने क्या गलत किया? इतना विद्वान आदमी था, बढ़िया आदमी था, सुंदर था, हैंडसम था, बलवान था,
पर रावण को किसी ने कहा कि भाई काय सब करता है तू? बोला हम क्या करें, विद्वान तो हूं, शास्त्र पढ़ लिया, वेद पढ़ लिया, बस हमारी एक चीज गड़बड़ हो गई। क्या? बोला इंटेक गड़बड़ हो गया मेरी, आहार विहार, अगर ये दो चीज खराब हो गए तो फिर आशा छोड़ दो बेटे बेटियों से कि वो तुम्हारे लायक बचेंगे। आहार विहार, विहार का अर्थ है कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, किसका संग करते हैं, कुसंग करते हैं कि सत्संग करते हैं। अगर इन दो बातों पर माता पिता का ध्यान न रहा कि मेरे बच्चे का आहार क्या है और मेरे बच्चे का विहार क्या है, ये आहार और विहार जिसने बचा लिए वो सनातन के 16 संस्कार भी बचा लेगा और अपने जीवन में आनंद प्रेम और शांति को उपलब्ध हो जाएगा। ये दो चीजों तो बचाइए, आहार और विहार तो ठीक कर लीजिए, किससे मिलना है और किससे नहीं मिलना है। 10 करोड़ भी दे दे तो हमें मंथरा और शकुनी से नहीं मिलना है, क्योंकि वो खानदान सहित समाप्त करेगा, खत्म करेगा। तो कोई भी लोभ हो, कम से कम मंथराओं से और शकुनियों से अपने बच्चों को दूर रखना। और धीरे से बोल दे रहे हैं, तुम भी दूर ही रहना, तुम अपने आप को बुलेट प्रूफ मत समझ लेना कि हमारा कुछ नहीं हो। दशरथ जी जिन्होंने भगवान राम को जन्म दिया, अगर बच्चे के रूप में देखो वो तो अजन्मा है, फिर भी पिता के रूप में तो है ना। भगवान जिनके घर में जन्म ले रहे हैं और जिन्हें पिता होने का गौरव प्राप्त हो रहा है और अपने विवेक से विवाह करके कैकेयी माता को ला रहे हैं और कैकेयी माता राम जी को इतना प्रेम कर रही हैं, अपने स्तनपान दुग्धपान तक कराती हैं, पर क्या ऐसा हो गया कि पूरी अयोध्या में एक कनक भवन था, सोने का एक भवन। अयोध्या और लंका में अगर तुलना करोगे तो धनवान अयोध्या था कि लंका, बोलो? अरे अयोध्या में एक सोने का भवन था और पूरी लंका, तो माल ज्यादा कहां था? लंका में। माल कहां था? इकोनॉमी रूप से ज्यादा डेवलप्ड कंट्री कौन था उस समय में, अयोध्या या लंका? लंका। पर वहां चलता था केवल शंका। और फिर हनुमान जी और भगवान जी ने जाके बजा दिया विनाश का डंका। पर अयोध्या में धन कम थे, लंका से संस्कार था, इसलिए आज भी अयोध्या में 500 वर्षों के बाद रामलला मुस्कुरा रहे हैं। आज भी हम दर्शन करने जा रहे हैं रामलला का, आज भी वो स्थान दिव्यता से प्रकाशित है, ओज तेज आज भी वहां उपस्थित है। इसलिए इकोनॉमिक रूप से हम कितने डेवलप्ड होते हैं, ये डेवलपमेंट हमारे संस्कारों को और जीवन को और आनंद को बढ़ाएगा, इस बात की गारंटी नहीं है। अमेरिका हमसे ज्यादा डेवलप्ड है, चाइना हमसे ज्यादा है, पर चाइना में ट्रेन टू बुसान, ये कहां से आया? ये कोरोना एक मामला तो ये भी है ना कि चमगादड़ खा पी करके वो लोग भेज दिए, एक तो चल रहा है ना, अभी पूरा जांच हुआ नहीं है। इट मे बी पॉसिबल, जिस तरीके से जिंदा सांप को खा रहे हैं फ्राई करके, आधा जिंदा आधा मेढक का अचार खा रहे हैं, बेंग का बताओ, कीड़े मकोड़े को चटनी में लगा के खा रहे हैं, ये कोई मनुष्य का भोजन है? और असुर बोलते किसको थे? हम लोग असुर खोज रहे हैं कि फिर से कोई सुम्भ निसुम्भ आएगा, महिषासुर आएगा, भैया सब महिषासुर तो हैं ये लोग, ये कौन है? और तुम अभी भी ढूंढ रहे हो कि महाराज ये राक्षस कैसे होते हैं? वो शाम को चले जाओ जहां खट 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 रहा है, जाके देख लो कैसे होते। यही तो असुरता है ना, आहार विहार बिगड़ गए, जिंदगी
नरक होती जा रही है, परेशान हैरान हैं। मैं आज आपसे यही निवेदन करने पंकज जी की और उनके साधु भाई इधर रहते हैं, कौन कोई कोई इधर रहते हैं, हैं? हाँ दीदी है। हम ये हमारे लोग इतने गड़बड़ हैं ना, अगर ये लोग रॉ में होते तो भारत कई बार भूटान से हार गया होता। इनकी ऐसी सूचना है, हमको ऐसी ऐसी सूचना देते हैं ये महाराज, ठीक ठाक सूचना भी नहीं। अच्छा सूचना देते तो अब तक हम भी कितना नाम कर ले, पहले ही पता करवा लेते कितने बेटे हैं, पूछ के आ तो रे धीरे से पता करके आओ। इधर आते के इधर आओ, तुम्हारे दो बेटे हैं, एक का नाम अनिल एक का सुनील। बाबा 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 पति पीते हैं इसलिए परेशान हो। बाबा बाबा आप भगवान हैं, कुछ नहीं है, सारा इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, कितना समय लगता है, पर ऐसे लोगों को लेके चलेंगे तो इसलिए हम प्रज्ञा की बात कर रहे हैं जो हमारे शास्त्रों में है। हम वो बातें कर रहे हैं जो हम कर सकते हैं, जो हम करके बड़े हो सकते हैं, महान हो सकते हैं। हमें इस दिशा में ज़्यादा चलना है। आप किसी की निंदा न समझेंगे, और याद रखिए जो धर्म प्रेमी होते हैं और धर्म की रक्षा के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं और धर्म पालन के लिए, यह भी बात याद रखिएगा, स्मरण रखिएगा, वो इस पृथ्वी पर अपने गुरु और ईश्वर को छोड़ करके किसी से भयभीत भी नहीं होते, किसी से डरते भी नहीं। उन्हें किस बात का डर है, किस बात का डर? जिनको कछु नहीं चाहिए, चाह गई चिंता गई मनुआ भई बेपरवाह, अरे जिनको कछु नहीं चाहिए वही रिश्ते में तो हम तुम्हारे साहन साह। थोड़ा लगता है आप लोग थोड़ा कुछ सिनेमा नहीं देखते यार, तुमसे ज्यादा तो मैं देखता हूं, बताओ आपसे ज्यादा तो हम ही देख लेते फिर तो। चाह गई चिंता गई मनुआ भई बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए वही साहन के साह। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, अरे कोई धन बिन रहत उदास रे, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी एक हमारे बंगाली बाबा के दास रे, उनके ही दास जो सदगुरु की शरण में आ गया, जिन्होंने उनकी दासता स्वीकार कर ली, वो पूरे जगत में मालिक हो गया। दासता तो करनी पड़ेगी, नौकरी तो बजानी पड़ेगी भाई साहब, हर जगह। कई लोग एक दो बार सुन लेते हैं तो उनको लगता है तो हम वहाँ सुने थे, अरे सुनने से क्या होगा, भीतर जब तक आ ना जाए तब तक मानो मत कि सुने हैं। तो राम तो एक बार सुन लिए तो काहे को राम राम रट रहे, हो गया राम, जान गए राम, अब जुड़े सीताराम 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 सीताराम। वो कई लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि मैंने तो ये बात सुनी थी उस सत्संग में गुरु जी से, ये वाला तो हम जानते हैं, कुछ नहीं जानते। जिस दिन गुरु के द्वारा सुनी गई बातें तुम्हारे आचरण और चरित्र में उतर जाएं, तब कहना गुरुदेव आपको श्रवण किया है मैंने, बड़ा कृपा आपने किया है। फिर भी छोड़ना मत, क्योंकि वो टिकेगी ही, जरूरी नहीं है उसकी रक्षा के लिए बार बार बर मांग हूं हर सिदे हु श्रीरंग
पद सरोजयन पायनी भक्ति सदा सत्संग। हे पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। भोलेनाथ भगवान रंगनाथ से कहते हैं, ठाकुर जी भक्ति दे दिया? बोला हाँ दे दिया। बोला एक चीज और दे दो। तो रंगनाथ जी ने कहा, भक्ति तो सबसे बड़ी चीज है महाराज, अब क्या मांग रहे हो? अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्ति के अधीन हूं। भक्ति नामक रुपया से तो हम खरीदे जाते हैं। भक्ति का चेक जिसने साइन कर दिया तो विश्व का मालिक उसका गुलाम हो जाता है। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, गुलाम बनवारी। क्यों कहते हैं? भक्ति के अधीन है ठाकुर जी। और आपको जब भक्ति दे दिया तो अब और क्या मांग रहे हो? भक्ति देने का अर्थ है मैं आपके अधीन हो गया। जो सर्वतंत्र स्वतंत्र ऑल माइटी है वो आपके अधीन हो गया, आप क्या चाहते हो? तो भोलेनाथ ने कहा, हम हैं फक्कड़, कैलाश पर रहें, श्मशान में रहें, कोई फ्लैट व्लैट हमने बनाया नहीं बढ़िया, कोई अभी तक डुप्लेक्स हमारा बना नहीं है। तो ये जो भक्ति रूपी मणि हमको आपने दिया है, भक्ति रूपी मणि बहुत महंगी है, कोहिनूर हीरा है, तो महाराज इसको रखना भी तो अच्छी जगह पड़ेगा, नहीं तो ये चोर चुरा ले जाएंगे। तो इसलिए भक्ति रूपी मणि को रखने के लिए मुझे एक तिजोरी दो। बोला वो तिजोरी क्या है? तो भगवान शंकर कह रहे हैं, जो हमको आपको सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। भगवान शंकर कह रहे हैं, अगर किसी को भक्ति मिल भी जाए, भक्त हो भी जाए, तब भी आश्वस्त मत रहना कि भक्ति टिक जाएगी। किसी दिन अजामिल की तरह फिर कोई मिल गया तो भक्ति हिल जाएगी। इसलिए उस भक्ति को तिजोरी में रख देना, जहां से कोई चुरा न सके। और वो तिजोरी क्या है? भगवान भोलेनाथ कहते हैं, भक्ति सदा सत्संग। जिसके जीवन में सदा सत्संग है, उसके भक्ति रूपी मणि को कोई नहीं चुरा सकता। इसलिए ज्यादा अहंकार मत किया करो। वो पुराने चेला जो हैं जल्दी अहंकार में आ जाते हैं। हम तो गुरु जी को 2 साल से सुन रहे हैं, गए काम खत्म तुम्हारा। ये तो हम 4-5 दिन से लगातार, 8 दिन से लगातार सत्संग सुन रहे हैं, तो क्या हो गए? बाबा जी हो गए? 10 दिन में सत्संग सुन के क्या हो गए? क्या वो चीजें तुम्हारे भीतर आ गई? क्या तुम्हारे चाल चलन चरित्र में आ गए? नहीं आए। इसलिए बार बार सुनो और आ भी जाए तो अहंकार मत करो कि ये फिर छिन न जाए। इसलिए भगवान भोलेनाथ, तुम काशी के लोग हो और भोलेनाथ ने ये आदेश दिया है कि जिसको अपने भक्ति के मणि को, रुपया को, ऑर्नामेंट्स को, गहना को बचाना हो, वो सदा सत्संग किया करे तो उसके भक्ति को कोई नहीं छीन पाएगा। ये शास्त्र प्रमाणित है। शास्त्र इस बात का प्रमाण कर रहा है कि सदा सत्संग ही हमारे भक्ति को अक्षुण रख सकता है। इसलिए सत्संग जरूरी है। आप देखते नहीं कभी वो माता लोग बैठ जाती हैं, वो लोग सोचते हैं सत्संग माने माता और पिता, पिता माने क्या? खाली पिता क्या? सत्संग माने माता, पूजा माने माता, दर्शन माने माता, धर्म कर्म माने माता और हम पिता। आप क्या करोगे? इस पृथ्वी पर ये नदी नाव संयोग है। यहां कोई पति है, कोई पत्नी है, कोई मां है, कोई बेटा है, कोई भाई है, कोई बहन है, पर वास्तव में हम कौन हैं? ईश्वरयंश जीवय विनाशी चैतन्यमल सहज सुख राशी मम एवांश जी मम एवांश मम एवान, मेरा ही अंश है। भगवान कह रहे हैं ये मेरा अंश है, हम उनके संतान हैं। तो उनके संतान होने के नाते आपका भी कर्तव्य है
आप थोड़े पढ़ लिख गए, ऑफिस जाने लगे, थोड़ा सा अध कचरा इंग्लिश सीख गए, आई मीन जितने भोजपुरी एक्टर हैं देखे हो इनको, भोजपुरी। हमने पूछा था एक दिन रवि किशन से कि भाई ये भोजपुरी में काम करते सब एक्टर लोग और जब इंटरव्यू देने आते हैं तो आई एंड सो, ये सब क्या है? तुमको सुपरस्टार बनाए हैं भोजपुरिया लोग और तुरंत टीवी पर आकर के एंड आई मीन, अबे भोजपुरी बोल, जो अपनी भाषा है, जिस भाषा में लोगों ने देखा है, हीरो बनाया है, वो बोलो। तो नहीं, थोड़ा सा अंग्रेजी बोलेंगे तो स्मार्ट कहलाएंगे। बिकॉज आई वॉज स्ट्रगलिंग दैट टाइम, कहना वो समय हम बड़ा स्ट्रगल करत रहली हाँ, बोला ना सीधे सीधा अपन भाषवा पूर्वांचल के। नहीं, विदेशी मुर्गी बिलायती बोल, जो थोड़ा सा अंग्रेजी बोला नहीं कि लोग ऐसे देखते हैं, साहेब हैं। अरे साहेब नहीं है, कोई साहेब फाहेब नहीं है, टट्टू है अंग्रेज का। भाषा बुरी नहीं है, सीख लो। तुम में से किसी को इंग्लिश सीखना हो हमसे सीखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, ये कम से कम ग्रेजुएशन तक के जितने भी छात्र हों उन सबको बिठा करके मैं सुंदर ट्यूशन पढ़ा सकता हूं आज के बच्चों को भी। इससे क्या हो गया? ये कौन से तीर मार लिया आपने? ब्रिलियंट साइंस का स्टूडेंट हूं, ये कौन सा तीर मार लिया? इसके बल पर इतना फड़फड़ा रहे हो? एम ए आई यू कुछ नहीं है ये। भाषा अपनी रहे, जानकारी अंग्रेजी भी रहे, पर अपनी भाषा में मिठास, अपनी संस्कृति में मिठास, आनंद, प्रेम, शांति सब इसमें छुपा हुआ है। संस्कार गए, संस्कृति गई, भाषा गई, हम गुलाम होते गए, अंग्रेजों की तरह व्यवहार करने लगे। दादी मई, दादी अम्मा, आपने पिज्जा कभी खाया था बचपन में? पिज्जा का नाम सुना था? पिज्जा, पिज्जा और क्या होता है वो, हैं? बर्गर, पिज्जा, हैं? मामा तो सुने थे, मोमो कहां से आ गए? गांव में तो मामा सुने थे कि मामा आए हूं हमार, ये मोमो कब पैदा हुए? मामा से मोमो, वो भी ऐसी चीज मैदे की घटिया जो आंत को खत्म कर दे। दीज थ्री थिंग्स आर पॉइजन, सफेद नमक, मैदा और चीनी। इसको WHO आज की आधुनिक साइंस भी जहर मान चुकी है, ध्यान दो। इसमें कोई दुकान वाला होगा हम पर नाराज हो गया, हमारे समोसवा का बिक्री बंद कराई का ही। सैंधव नमक, पहाड़ी नमक लाल, और मोटे अनाज, और अगर देसी गाय का घी, मक्खन इत्यादि हो वो नुकसान नहीं करेगा, पर आप जो खा रहे हो रेपसीड ऑयल, कौन सा तेल खा रहे हो, एक केवल ये जो आपको वो डबल फिल्टर और ट्रिपल फिल्टर क्या बोलते हैं इसको, रिफाइन ऑयल, एक ये ऑयल ही कैंसर देने में अकेले समर्थ है। एक ही उल्लू काफी है, और जहां मैदा और चीनी इत्यादि भी बैठे हैं अंजामे गुलिस्ता क्या होगा, क्या होगा बताओ? इसलिए बच्चों को ये सब मत खिलाइए। माई अच्छी अच्छी चीज बनाओ, दादी मैया से सीख करके, पुरानी चीजें खूब टेस्टी बनाओ। तो जान छुड़ाने के लिए मोबाइल दे दे रहे हैं, जान छुड़ाने के लिए पिज्जा मंगवा दे रहे हैं, बर्गर खिला दे रहे हैं, यही तो आहार विहार है ना। ये आहार विहार अगर शुद्ध नहीं होंगे तो तुम क्या करोगे, क्या कर लोगे, क्या सुधार आ जाएगी तुम्हारे भीतर में? कोई संत अगर साधना करता है तो उसकी साधना का फल वो भोगेगा, तुम्हारा क्या? कर्म प्रधान विश्व करी राखा,
जो जस करही सो तस फल चाखा। सुने काका? तो अगर कोई संत, कोई साधक, कोई सिद्ध है तो तुम्हारा क्या? बेल पक जाए तो कौआ का क्या? बोलो, क्या तुम उनके जैसा बनना चाहते हो? क्या वो साधनाएं करना चाहते हो? क्या तुम भी आत्मज्ञानी होकर के, आत्मस्थ होकर आनंदित जीवन जीना चाहते हो? नहीं चाहते, केवल चमत्कार। आ गए बाबा, छू दे हमारा कुछ हो जाए। कुछ नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअलिज्म एंड अकॉर्डिंग टू साइंस। इट्स नॉट पॉसिबल, बिल्कुल नहीं हो सकता। आपको होना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। तो रावण ने एक ही बात कही, मैया यार मन तो मेरा भी करता है कि मैं अच्छा काम करूं, गलती मुझे समझ में आती है, पर क्या करूं, होई भजन एई तामस देहा। कोट करिए इस बात को, रावण ने मजबूरी व्यक्त की। क्या मजबूरी था? होई भजन नहीं यही तामस देहा। जिस आहार विहार की मैं बात कर रहा हूं, रावण बोल रहा है मेरी आदत लग गई, बिना गधा काटे खाए मेरा मन नहीं लगता, इसलिए इस तामसी देह से मुझसे अब भजन नहीं हो सकता। तो रामचरितमानस पढ़े जाते हैं, कथाएं कही जाती हैं, तो ये तुम्हारे समझ में नहीं आती कि तुम भी अगर तामसी चीजों का सेवन कर रहे हो तो रावण की छठी औलाद हम ही है फिर। और किसको बोलते हैं रावण? हमारा आहार खराब, विहार खराब, तो रावण कौन है? चाहोगे तब भी भजन नहीं होगा, चाहोगे तब भी भगवान में मन नहीं लगेगा। और यह मत समझना कि जो लोग हजारों लाखों तुम्हें भारतवर्ष में श्रद्धालु के रूप में दिखाई पड़ते हैं, वास्तव में श्रद्धालु हैं। बहुत अंतर है धर्म प्रेमी होने में और धर्म भीरू होने में। धर्म से डरने वाले लोग हैं, उनकी संख्या करोड़ों अरबों हैं, पर प्रेम करने वाले तो कोई एक दो माई का लाल पूरी भारत की भूमि में कहीं पैदा होता होगा जो धर्म को प्रेम करता होगा। डरपोकों की संख्या भरी है, डरने वाले लोग भरे हुए हैं। धर्म डरने का विषय नहीं है, भगवान डरने के लिए नहीं है। अगर कोई बच्चा अपने माँ और बाप से केवल डरने ही लगे तो अपराधी बन जाएगा, पर उसको जब प्रेम हो जाए अपनी माँ से और पिता से तो वो कभी भी अपराध के रास्ते पर नहीं जा सकता। केवल डराकर, हम तो धर्म से डर रहे हैं, अरे ये मत करिहा, अभी नवरात्रि आवत हो, कुछ गड़बड़ हो जाई तो घरे में चाहे दुकाने में आग लग जाई। कमाल है यार, एक साधारण मम्मी अपने बच्चे से हजार गलतियां हो जाएं फिर भी उसको आग लगा देती है क्या? बच्चे को मार देती है? तो जब एक साधारण मां अपने बच्चे के हजारों गलतियों को क्षमा करके भी उसे आग नहीं लगाती, तो जिन्हें तुम कहते हो दुर्गा दुर्गति नाशिनी, वो दुर्गा मां जगन माता जगत की माता किसी बच्चे के दुकान में आग कैसे लगा सकती हैं और मकान में आग कैसे लगा सकती है? बताओ मुझे, कौन सा विज्ञान है ये? कौन सा धर्म है ये? डरपोकों ने कौन सा धर्म सिखाया तुम्हें? इसलिए सनातन की ऐसी विभत्स अवस्था है, इसलिए डरपोकों का एक पूरा समुदाय हो गया ये। इतने बड़े भारत को काट काट के, काट काट के, काट काट के इतना छोटा बना दिया, और उस भारत में भी अब कई राज्य हमारे पास नहीं है। ये इन्हीं डरपोकों के कारण है, इन्हीं चमत्कार की आशा में बैठे लोगों के कारण है। सोमनाथ का मंदिर जब टूट रहा था तब भी लोग बैठे थे, चमत्कार होगा, भोलेनाथ बचाएंगे। बचा लिया? बोलो। जब राम मंदिर टूट रहा था तो राम जी ने बचाया? राम भगवान तुम्हारे हमारे भीतर हैं, हम उनकी संतान हैं। कभी जगन्नाथ जी जाना पुरी में तो वहां एक
कहावत है, जगन्नाथ को हाथ नहीं। और हमारे तो विश्वनाथ जी जो हैं वो भी तो, उनके भी हाथ नहीं। जगन्नाथ अथवा विश्वनाथ के हाथ, हम उनके संतान, हम सब जो बैठे हैं सनातन के बेटे, हम उनके हाथ हैं। हम उनके आचरण को, उनकी भक्ति को, उनके शौर्य तेज उसको अपना करके हम रक्षा करेंगे। हम आश्रय में बैठे हुए हैं और इसलिए नाश होता है बार बार, इसलिए लाखों लोग खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और यही कह कह के तुम्हारे बच्चों को खत्म कर दिया जाता है। अरे तुम्हारा भगवान तो अपना मंदिर नहीं बचा पाया, तुमको क्या बचाएगा? अब बताओ, छोटे से बच्चे के ऊपर में अगर ये भाषा बार बार बोली जाए तो बालक मन है, उस बालक मन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? वो धीरे 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 सनातन संस्कृति, तुम्हारे धर्म, तुम्हारे ये वैदिक संस्कृति से, भगवान से, ईश्वर के कॉन्सेप्ट से दूर जाने लगेगा। कैसे बचाओगे उसको? कैसे बचाओगे अपने इस देश को? जाने जाने धीरे धीरे जा मैया, कोई बात नहीं है। अरे उसको ऐसे मत देखो कि बेचारी कोई खलनाई का है। हाँ बताओ, बच्चा रो रहा है, उसको ऐसे सब देख रहे हैं, तू निकल तू निकल। वो माँ है, बच्चा रो रहा है, धीरे धीरे जाएगी आराम से, कोई बात नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे बोलने में तो कोई कमी नहीं आ रही है, तुम काहे उधर देख रहे हो? हम तो उसी तन्मयता से बोल रहे हैं, पर एक बच्चा उधर रोया तो सब कुछ। असल में मन लग नहीं रहा है, कुछ एक चीज हो तो मन कहता उधर देखो उधर देखो। अभी एक छिपकली निकल जाए, हा हो, छिपकली से भी कम औकात तुम्हारे गुरु की है। छिपकली निकले तो पूरा भीड़ बाहर चला जाएगा अभी, और गुरु जी बैठे रह जाएंगे, तमेव माता। यही यही हस्ती है, इसी हस्ती से गुरु, यही संत। तो आप जब सत्संग सुनने आए हैं ना, तो एकाग्रता की जरूरत आपको है। एकाग्रता का सीधा अर्थ होता है एक को अग्र करके चलना। मेरी प्रायोरिटी क्या होगी? 100 काम है हमारे पास, स्नान करना है, दवाई खानी है, स्कूल जाना है, मम्मी पापा का दवाई लाना है, ये करना है। अब तय करना पड़ता है कि सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, वो पहले करना पड़ता है ना? वैसे ही एकाग्र, एकाग्र का अर्थ है इस समय में मेरी सारी इंद्रिय एक जगह पर जाकर के लग जाएंगी, एक को आगे करके मैं बिल्कुल धीर गंभीर शांत होकर के बैठूंगा। इसी को एकाग्रता बोलते हैं। मोमबत्ती पर मत ताकने लगना, नहीं डिप्रेशन में पड़ जाओगे। कितने लोग मोमबत्ती ताक करके सोच रहे हैं कि हम एकदम ऐसे करें, मोमबत्ती पर ऐसे, गुरु जी कितने महीने में हम सिद्ध हो जाएंगे, हम कि जल्दी पागल खाने जाएगा, समय आ गया है तेरा, मोमबत्ती झांक रहा है। एकाग्र का सीधा अर्थ है एक को अग्र करके चलो, हर समय विचारों में, कर्मों में, एक एक आचरण में, एक एक पल, वो एक आगे है, उसी को आगे करके। एकाग्र अर्जुन है, उनके आगे कौन है? अरे रणभूमि में कौन एकाग्र है? कृष्ण उनके सारथी हैं। बस इतना ही मतलब है एकाग्रता का, काम हम करेंगे पर सारथी श्री कृष्ण होंगे, हमारी दृष्टि श्री कृष्ण पर होगी, यही एकाग्रता है। गुरु जी ध्यान कैसे लगावे, हमारे ध्यान में ना ही लागत बाटे, लागत बाटे ध्यान। ध्यान का अर्थ क्या होता है पंकज जी? साधारण अर्थ में क्या बोलते हैं हम लोग जब निकलते हैं चौराहे पे, कोई मिल गया था कहा, गुरु आजकल हमारे ऊपर ध्यान नहीं डेट हुआ है? सीधा अर्थ है मतलब हमारी तरफ आजकल आप देख नहीं रहे हैं, अकेले अकेले समोसा खा रहे हैं। कहा गुरु अकेले अकेले गरीबों पर ध्यान देवा। ध्यान, ध्यान शब्द का अर्थ है जो विस्मृत, मुझे विस्मृत मत करो, मुझे भी स्मृति में रखो। तो यही ध्यान शब्द का अर्थ है, जगत में काम करते रहो पर स्मृति में अपने हरि और गुरु को रखे रहो, यही ध्यान है, यही ध्यान की पहली पद्धति है। इसके आगे क्या होगा वो बताया जाएगा। त्राटक और त्रिपुटी और ये, अरे इनको चिरकुटी है, ये कहीं नहीं चूना से फुर्सत नहीं है, मुंह में गुटखा, का कहता हुआ, इनको त्रिपुटी सिखा रहे हो, चुनौती दो इनको ताकि खा सके बढ़िया से,
मिला करके त्रिपुटी त्रिकुटी, यहां ब्रह्मरंध्र, यहां हृदय चक्र मूलाधार, इनको मूलाधार, बैग पाइपर का धार, देसी का धार, महुआ का मूलाधार, सहस्त्रार, ये सब तुम्हारे बस में नहीं है, बेकार की बात मत करो। न तुम्हारे खान ठीक है, न पान ठीक है, न तुम्हारा चाल चलन ठीक है, न आहार विहार ठीक है, ये सब शब्दों हैं, शब्दों में मत फंसो। धर्म बहुत सहज है, जितना कठिन बनाओगे उतने दूर बच्चे भागेंगे। अरे हमसे नहीं होगा ये सब, कोई साधारण चीज बताओ। अब बताओ, कोई कहे कि ध्यान लिखा है हमारे शास्त्रों में, बच्चे कहे हमसे नहीं होगा, और कोई आके कह दे बेटा ध्यान का अर्थ यही है, आप सब जो काम कर रहे हो आराम से करते रहो, बस उस समय अपने हरि गुरु और माता पिता को याद रखे रहो, यही ध्यान है, तो ध्यान कितना सहज हो गया उसके लिए। जब जब माता पिता याद रहेंगे उसके कदम नहीं बहकेंगे, मैं अपने माता पिता की प्रतिष्ठा को धूल में नहीं मिला सकता, मैं श्री राम की संतान हूँ, मैं जानकी की बिटिया हूँ, मैं राधा रानी की बेटी हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकती, यही ध्यान है, ये स्मृति ही ध्यान है। यहां विद्वान बैठे हैं, श्री कृष्ण पूछते हैं अर्जुन से, इस पूरी गीता से तुझे क्या मिला, क्या प्राप्त कर लिया? नष्टो मोहा स्मृति लब्धवा, एक शब्द कहा उन्होंने, मेरे मोह नष्ट हो गए और मैं स्मृति को उपलब्ध हो गया। ध्यान दो, इतनी बड़ी गीता का परिणाम, भगवान ने पूछा क्या मिला, बोला स्मृति वापस आ गई, मैं भूल गया था कि मैं कौन हूं, पर हे गुरुदेव कृष्णम वंदे जगत गुरुम, आपने मुझे याद दिला दिया कि मैं कौन हूं। स्मृति लब्धवा, स्मृति की उपलब्धि, स्मृति को उपलब्ध हो जाना ही संपूर्ण गीता का फल है। और हम भी तो वही कह रहे हैं कि सब कुछ करते हुए, आहार विहार ठीक रहते हुए, सब समय गुरु गोविंद की स्मृति बनी रहे, तो हम भी अर्जुन की तरह सफल हो जाएंगे श्री कृष्ण के मार्ग में। बस इतना ही तो करना है मेरे प्यारे बच्चों, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने मेरे बच्चों, 10-20 साल 25 साल 22 साल टीन एजर, तुम भी सुनो, सनातन धर्म कितना सहज है, सनातन धर्म कितना सरल है, और सनातन धर्म कितना सजल है, और सनातन धर्म कितना सबल है। वो सहल भी है, सजल भी है, सबल भी है, इससे सबल कुछ है भी नहीं। इस सनातन धर्म के तुम अनुयायी हो, इसके फॉलोअर हो, तुम्हें गौरव होना चाहिए। जब कोई पूछे कौन हो, तो ऐसे हाथ उठा करके कहना कि मैं सनातनी हूं, मैं भारतीय हूं, भारत माता की संतान, सनातन का लाल हूं मैं, सनातन था है और रहेगा, शाश्वत सत्य धर्म, मैं उसकी संतान हूं। आप सबको प्रणाम करता हूं, नमन वंदन। काशी क्षेत्र में बन रहे सनातन विश्वविद्यालय, दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा है, और मैं यहां बोलते हुए, यहां पर दो संत का आशीर्वाद भी मेरे साथ है, बाबा भी यहां मौजूद हैं, मैं ये कहते हुए घोषणा करते हुए मुझे भय नहीं है कि अगर ठीक ठीक तरीके से जो परिकल्पना लेकर के काशी की दिव्य भूमि पर इसे खोला जा रहा है, और संपूर्ण देश में गुरुकुलम के जो चेन बनाने की प्रक्रिया जारी है, अगर ये अच्छे से हम सब मिलकर एक एक खड़े हो गए, तो लोग आने वाले समय में हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड को भूल जाएंगे और सनातन विश्वविद्यालय को याद रखेंगे नालंदा की तरह, क्योंकि ये जननी है सभी धर्मों की, ये जननी है सभी मतों की, सभी भाषाओं की, हमें गौरव होना चाहिए। और 1 करोड़ लोग इस सनातन विश्वविद्यालय के संस्थापक सदस्य बन रहे हैं, पता नहीं कितने हजार लाख बन गए, निरंतर बने जा रहे हैं, जिस किसी दिन तुम्हारे भी पोते पोती गौरव से कह सके, जैसे आज कहते हैं हमारे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारे परदादा स्वतंत्रता सेनानी थे,
वैसे तुम्हारे बच्चे और आने वाली तुम्हारी पीढ़ियां भी ये कह सकें कि हमारे दादाजी सनातन विश्वविद्यालय के फाउंडर मेंबर थे, संस्थापक सदस्य थे, उनके द्वारा भारत की रक्षा की योजना बनाई गई थी, उनके द्वारा सनातन संस्कृति के रक्षा की योजना बनाई गई थी। और यह भारत और सनातन की रक्षा की योजना नहीं है, बल्कि बांग्लादेश, काबुल और पाकिस्तान इत्यादि अगर राष्ट्रों को याद कर लो तो ये किसी देश की सेवा करने तुम नहीं उतर रहे, किसी धर्म की सेवा करने नहीं उतर रहे, बल्कि इन देशों का अगर हालत देख लो कि क्या हुआ तुम्हारे बच्चों के साथ, क्या हुआ उन बहु बेटियों के साथ, तब तुमको यह पता चलेगा हम धर्म की रक्षा करने नहीं जा रहे, बल्कि अपने जिगर के टुकड़े अपने बच्चों की रक्षा के लिए विश्वविद्यालय बना रहे। ये सनातन संस्कृति की रक्षा हमारे बच्चों की रक्षा है, हमारे आने वाली पीढ़ियों की रक्षा है, हमारे परिवारों की रक्षा है। इसलिए देश प्रेम, देश सेवा और समाज सेवा का झूठा भूत अपने ऊपर से उतार दो। हम बड़े बड़े देश सेवक हैं, कुछ नहीं हो, देश सेवा करोगे। जिनको पैदा किया है उनकी सुरक्षा का इंतजाम कर दो बस। वो तुमको गालियां ना दें कि समय रहते बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, हमारे बाप दादा सिर्फ रुपये के पीछे भागते रहे, यहां वहां भागते रहे, पर हमारे देश को ऐसा बना दिया कि आज हम सुरक्षित नहीं है, न कहीं पूजा कर सकते, न आराधना कर सकते। और ये जो बड़े बड़े खूब, मैं आज चेतावनी भी देना चाहता हूं और जरूरी है चेतावनी देना, हम जैसे बाबा लोग भी जो केवल बड़े बड़े मठ और मंदिर बनाने में लगे हैं, केवल मठ मंदिर, याद रखो जब सनातनी ही नहीं होगा तो तुम्हारे मठ मंदिर भी नहीं बचेंगे, और न कोई आरती करने वाला होगा, न कोई पूजा करने वाला होगा। कर रहा है कोई? अफगानिस्तान में चल रहा है तुम्हारा पूजा, हो रहा है? तो कहां हो, कहां खोए हो? तो हमारे लिए भी, मैं सबको कहता हूं, आज महापुरुष बैठे हैं यहां पर, आज महापुरुषों की प्रतिष्ठा क्यों है? क्योंकि सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग यहां पर हैं। जिस दिन सनातन संस्कृति के मानने वाले लोग समाप्त हो गए, मिटा दिए गए, कन्वर्ट हो गए, कौन पूछेगा हमें? हमें भी कन्वर्ट कर दिया जाएगा। क्या करोगे? कौन बोलेगा बाबा? कौन गुरुजी? कहां के संत, कहां के महंत, कहां के आचार्य? और भारत भूमि सनातन भूमि है, तभी हाथ जोड़कर कहता हूं, तभी शंकराचार्य भी हैं। पाकिस्तान में कौन शंकराचार्य को मान रहा है? कौन मान रहा है अफगानिस्तान में? भारत भूमि में सनातनी हैं, इसलिए हम सब हैं, मठ हैं, मंदिर हैं, गुरु महाराज हैं, 1008 महामंडलेश्वर हैं, सब तब तक हैं जब तक ये सनातनी, राष्ट्रवादी, सनातन संस्कृति और धर्म में विश्वास करने वाले लोग बचे हैं। धीरे धीरे ये समाप्त होते जाएंगे, मिटेंगे तो कुछ न बचेगा। इसलिए आज अगर जरूरत है तो सिर्फ एक चीज की, हमारे बच्चे 16 संस्कार से युक्त होकर के बचपन से ही ऐसे ध्रुव और प्रहलाद की तरह अपनी संस्कृति को पढ़ करके निकले कि उस संस्कृति को मिटाने वाले के रूह कंप जाएं कि भारत के ऊपर में हमला नहीं किया जा सकता। भारत को बचाने वाले बच्चे 16 संस्कार और सनातन। मैं कट्टर नहीं हूं, मुझे कट्टरता पसंद नहीं, और मैं कट्टरवादी हूं भी नहीं, और ना मुझे यह पसंद है। मैं किसी के विरुद्ध नहीं खड़ा हूं, आज मैंने लिखा है, मैं किसी के विरुद्ध नहीं खड़ा हूं, बल्कि मैं तो अपने सनातनी भाइयों के साथ खड़ा हूं। मैं किसी के विरुद्ध नहीं खड़ा, मैं किसी का विरोध करने नहीं आया, मैं सनातन संस्कृति और सनातनी भाइयों के साथ खड़ा हूं। विरोध करना मेरा धर्म नहीं है, विरोध करने के लिए मैं नहीं आया, मैं गालियां देने किसी को नहीं आया, बल्कि हमारे बच्चे और हमारे राष्ट्र के लोग और हमारे सनातनी भारतीय लोग मंदिरों में और कीर्तनों में तालियां बजा सकें, इसके लिए मैं उनके साथ खड़ा हूं। मैं किसी को गालियां देने के लिए नहीं खड़ा हूं। हमारी तालियां रुके नहीं मंदिरों में, हमारे भजन रुके नहीं मंदिरों में, इसके लिए मैं खड़ा हूं। मैं विरोध में नहीं हूं। भारत की भूमि पर जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को हम सनातनी मानते हैं, और हम क्या मानते हैं, साइंस भी मानता है,
डीएनए एक हैं, पूर्वज एक हैं। आज के 12 पीढ़ी पहले जिसको भी ढूंढोगे वो रामलाल श्यामलाल के ही हम लोग हैं, सभी श्रीमन नारायण के ही हैं हम सभी। तो डीएनए एक, पूर्वज एक, तो हमारी संस्कृति भी एक। इसलिए भारत भूमि पर जन्म लेने वाला हर व्यक्ति, चाहे 140 करोड़ हो या 150 करोड़ हो, सब सनातनी हैं। इसलिए सनातन का प्रचार करना कभी कोई किसी का विरोध नहीं हो सकता। तुम्हारी पूजाएं पद्धतियां हमारी अलग अलग हो सकती हैं, हमें किसी से बैर विरोध नहीं है, पर हमें अपने सनातन पर गौरव है, हमें अपने भारत माता पर गौरव है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, हम इसके लिए इस पृथ्वी पर आए हैं। और मुझे विश्वास है कि भारत की भूमि पर रहने वाले हर वो शांति प्रिय लोग और सनातनी लोग जिनके रगों में अपने पूर्वजों का रक्त दौड़ रहा हो, वो कभी भी सनातन धर्म का विरोध नहीं कर सकते और सनातन संस्कृति का विरोध नहीं कर सकते। जिनके रगों में सनातन का खून हो और भारत का खून हो, हम उसके लिए खड़े हैं। हमें कट्टरता नहीं सिखाया जा सकता। आई एम वेल एजुकेटेड पर्सन। अगर तुम कहोगे कि आपने विद्या कितना अध्ययन किया, तो आप डॉक्टर रितेश्वर मुझे कह सकते हो। मैं तो पता नहीं, हमारी वो पांडे जी दुबे जी को उन्होंने डॉक्टर लगाना शुरू कर दिया। अरे महाराज छोड़ दीजिए, हमने अपनी सारी उपाधियां छोड़ दी हैं। तो अगर तुम पढ़ने के लिए कहोगे, तो पढ़ाई हमने की तबीयत से की। ये जो तुम्हारी पढ़ाई जीविका की विद्या है, ये जीविका और जीवन जो कमाने की विद्या है जो स्कूलों में सिखाई जाती है, ये भी टॉप क्लास पढ़ाई की। पर हाँ, एक चीज जिससे भारत चूक रहा है, मेरे गुरु ने, मेरे माता पिता ने नहीं चूकने दिया मुझे, उन्होंने जीविका की भी विद्या पढ़ाई। और उसी समय जब बचपन में कह दिया कि सदगुरु के शरण में ले जाके कह दिया, वहां जीविका की विद्या मिलेगी और गुरुदेव के द्वार पर जीवन की विद्या मिलेगी। हमें दोनों विद्या मिल गई, जीवन और जीविका दोनों की विद्या। नहीं तो एनईटी नीट टॉपर आत्महत्या कर रहे हैं। अभी किसी ने कहा कि सीए टॉपर ने भी आत्महत्या कर लिया, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में जो बहुत टॉप किए थे उन्होंने भी आत्महत्या कर ली। नीट जिसने टॉप किया था भारत में, उसने आत्महत्या कर ली। कहां गए तुम्हारी पढ़ाइयों का क्या हो रहा है? कैसी पढ़ाई है? जो टॉपर है वो आत्महत्याएं कर रहे हैं। तुमने सत्संग नहीं सिखाया, सनातन धर्म नहीं दिया अपने बच्चों के रक्त में, तुमने संस्कृति नहीं दी उन बच्चों को, अपने ही बच्चे के हत्यारे बन गए, अपने ही जिगर के टुकड़ों को मरने पर मजबूर कर दिया। केवल यही सिखाया, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, रुपया कमा और कर दो गए टॉप, मर गए, झेल नहीं पाए टेंशन को, डिप्रेशन को। इसलिए मेरी मां, आप सबको प्रणाम करते हुए यही कहूंगा, अपने बच्चों को पढ़ाई पढ़ाओ। ये मजबूरी है कि हमें ये मैकोले की शिक्षा पढ़नी पड़ रही है, CBSE की चीजें जो भी पढ़नी पड़ रही है। पर चिंता मत करो, अगर हम सब जैसे एक एक लोगों को, मैंने कहा है कि 1 करोड़ नहीं 10 करोड़ लोग संस्थापक सदस्य बनेंगे, तो 10 साल के भीतर भारत में सनातन संस्कृति के अनुरूप सनातन बोर्ड बन करके उसकी पढ़ाई शुरू होगी हमारे बच्चों के लिए। और भारत सनातन धर्म का गढ़ था, गढ़ है और गढ़ बना रहेगा। और सनातन धर्म का मतलब है वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया। नमन बंधन। लोग कहेंगे गुरुजी ऐसे नमन करते, लग रहा डंडा मार रहे। नमन बंधन प्रणाम आप सबको। इस प्रणाम का परिणाम दो मुझे, राष्ट्र की रक्षा में, सनातन की रक्षा में और अपने बेटे बेटियों की रक्षा में। तुम भी हाथ उठा करके स्वयं तो संस्थापक सदस्य बनो ही, 100-100 हजार लोगों को तुम भी संस्थापक सदस्य बनाओ इस विश्वविद्यालय के लिए, जहां से हमारी तकदीर बदलने वाली, तुम्हें भी बनाना। और ये अगर हम करेंगे तो निश्चित मुझे पक्का विश्वास है कि ये जो आज यहाँ पर कार्यक्रम हुआ ये चलता रहेगा, नहीं तो ये सब कार्यक्रम करने भी मुश्किल हो जाएंगे आने वाले समय में। लोकतंत्र का महापर्व, उसमें जो चूकता है तो होली दीपावली दशहरा का पर्व होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं।
वो पर्व भी निश्चित करता है कि आगे पर्व होंगे कि नहीं हमारे। उस पर्व को जो चूका, कई लोग ऐसे हैं, हम महात्मा हैं, हमको महाराज राजनीति से मतलब नहीं है। बेकार आदमी हो तुम, फालतू बात करते हो, महात्मा हो, कई बात के महात्मा हो। मुझे पूरे भारतीय सनातन संस्कृति में एक को दिखा दो कि राजा अपने गुरु के अनुरूप ही चलता है। ऋषि सदा आकर के राजा को और प्रजा को धर्म के मार्ग पर चलना सिखाते हैं। राजनीति का ज्ञान भी राजा को लेने जाना होता था तो अपने गुरुदेव के पास जाते थे। कौन कहता है कि संत ऋषि और गुरु को राजनीति से दूर रहना है कि क्या करना है? राजनीति का अर्थ है वह नीति जिससे प्रजा के ऊपर में राज किए जाते हैं, या और अच्छा शब्द कह दूं, वह नीति जिससे प्रजा राज करे, आनंदित रहे, वह राजनीति है। क्या यह नीति धर्म की नीति नहीं है? क्या यह संतों की नीति नहीं होनी चाहिए? तो ये गुड़ खाएं और गुलगुला से परहेज। हमको राजनीति से मतलब नहीं, हमको तो पूरा मतलब है। हमारे देश के लोग राजनीति से ही जिएंगे, राजनीति से मरेंगे। राजनीति गड़बड़ हो गई तो खत्म, और राजनीति सही जगह हो गई, शासन सही आ गया तो बच जाओगे। तो हमको राजनीति से मतलब नहीं है महाराज जी। महाराज जी, आप साधु संत हैं, आपको राजनीति से क्या मतलब होना चाहिए? हमको नहीं मतलब होगा ना तो ये अफगानिस्तान हो जाएगा। हमको तो नहीं मतलब रहेगा, फिर तुम भी मतलब के नहीं रह जाओगे। जाओ ना, मतलब करो, वहां जाओ। आखिरी गुरु ग्रंथ साहिब वापस आ गए साहब वहां से, आखिरी कुछ नहीं बचा। मेरे भी जीवन में ये पहला ही सत्संग है जो इतने बालकों के चिल्लाने के बाद भी मैं बोल दिया। अरे मैं एक ऐसे उठता, धड़ 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 उठ के गाड़ी में, मैं पंकज फिर आऊंगा बाद में कभी महाराज। लेकिन हमने मौज ले ली महाराज, मौज तो आ गया, क्योंकि आप सब बैठे थे और आपका, आप जितनी माताएं बैठी हो ना, मैंने एक को भी, अब एक दो गई होंगी बेचारे, घर से फोन आया होगा कि तू आओ तो तेरे को बता रहे हैं, तब गई होंगी। और नहीं तो मैंने एक मैया को यहाँ से उठ के जाते हुए नहीं देखा। और चेहरा तो प्रारंभ में ऐसे था, कहाँ के हुआ, कहाँ से आयल हुआ, अच्छा वृंदावन से, ये जटा नकली हो कि असली हो इनकर? कितने लोग इसी में खोए हुए थे कि पता नहीं ये पकड़े रहते हैं, गिर तो नहीं जाएगा, कहीं कुछ लगाए तो नहीं है। कितने लोग इसी में खोए हुए थे। लेकिन जैसे जैसे हाँ समय बढ़ता गया और मैंने देखा कि ये देश माता सीता का, अनसुईया का, सती का, गार्गी का है। माताओं के भीतर इतनी तन्मयता आई कि मैं देखकर आनंदित हो गया। ऐसे लगा जैसे आज राधा रानी ने कृपा कर दिया और वही सब रूपों में बैठ करके सत्संग श्रवण कर रही है। इतना आनंद मिल गया, मौज आ गया, बहुत आह्लाद, बहुत आनंद। आप सब खूब प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए, स्वस्थ रहिए। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है, हो जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने में तू होशियार है, पर फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। ओ जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को अब भी गाइए, राज है जिसने जानी है महिमा, दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दीप जले और
ज्ञान सुने और विवेक न जागे ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने जिसकी रोशनी से रोशन जहान है, मेरे गुरुवर भी कितना महान है। और जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को गुरु परिपूर्ण समर्पित तू हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। गुरु परिपूर्ण लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो रावण कभी नहीं आ सकता। लक्ष्मण रेखा ओ लक्ष्मण रेखा गुरुवाणी की हो तो रावण कभी नहीं आ सकता। लक्ष्मण ओ लक्ष्मण रेखा गुरु आज्ञा की हो तो रावण कभी नहीं आ सकता। अब तो होता ये हर पल आभास है, मेरे गुरुवर सदा ही मेरे साथ हैं। और जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को गोविंद दो खड़े हेरी काके लागू पाए, बलिहारी गुरुवापना जिन गोविंद दियो लखाए। बलिहारी 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 गुरु अपनो बलिहारी गुरु अपनो जिन गोविंद दियो लखाए, जिन गोविंद दियो लखाए। लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो रावण कभी नहीं आ सकता। लक्ष्मण अब तो होता ये हर पल आभास है, किसी न किसी रूप में किसी न किसी रूप में अभी भी
मेरे बंगाली बाबा मेरे साथ हैं, साथ हैं। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। शंभो 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 गुरु कहीं जाते नहीं, किसी न किसी शरीर में वो आते ही हैं, वो कभी दूर नहीं जाते, वो सदा रहते हैं। सब मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए। अब मुझे भागना है, दो लाइन का सुना फट से। वो लोग बड़े नाराज हो जाएंगे जो बैठे हैं, डॉक्टर लोग बेचारे। इधर आ जा, खड़ी हो जाइए, बोल।